गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आपको मॉर्निंग में रेडी होते हुए दिख रही हूँ, बिकॉज आज मम्मी और मैं जा रहे हैं हॉस्पिटल। आपको मैंने बताया था कि सैटरडे को हमें हॉस्पिटल जाना है, मम्मी का रेगुलर चेकअप है। सो मैं उठी 7:30, मम्मी ने बहुत जल्दी जल्दी उठा दिया मुझे। आज भी उठ के फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फ्रेशन अप हुई, एंड अभी हो रहे हैं 8:30 तक अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। बस मम्मी और मैं निकलते हैं फटाफट हॉस्पिटल के लिए। हमारे व्लॉग में पापा आ गए हैं। पापा हेलो बोल दो सबको। तो पापा कर रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट, और आप लोग पूछ रहे थे कि पापा कहाँ रहते हैं आपके। पापा एक्चुअली मेरे उठने से पहले ही चले जाते हैं, तो पापा व्लॉग में इसलिए नहीं दिखते हैं। मम्मी को बोला है कि व्लॉग बनाया करो सुबह सुबह, पर मम्मी बनाती नहीं है। पापा और कुछ बोलना चाहते हो? थैंक यू। खा लो आराम से। चलो, तो जिन लोगों भी कंप्लेंट है आपके पापा कहाँ रहते थे, आपको दिख गए मेरे पापा। आज हमारी बालकनी में ये रोज़ आया हुआ है, आया बिल्कुल छोटू सा रोज़ है। पता नहीं ना छोटू सा क्यों आया हुआ है, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी पूरी जो फ्रेग्रेंस है पूरी बालकनी में आ रखी है, बहुत ही सुंदर क्यूट सा छोटू सा। मम्मी आ जाओ जल्दी। हाँ चल चल चल। किससे बात कर रहे थे? कंचन से। चलो, हॉस्पिटल से हम लोग आ चुके हैं वापस। इन बाप रे बाप, आज बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब हद से ज़्यादा। हमें बस हो रहा था कि फटाफट घर पहुँचे। एंड लकीली हम 2 आवर्स में फ्री हो गए। हम 9:20 निकले थे एंड 11:30 हम घर वापस आ गए हैं। सो आज मम्मी का वही रेगुलर रूटीन चेकअप था। सो डॉक्टर ने बस वही मेडिसिन से दोबारा कंटिन्यू करने के लिए बोली है। 15 डेज बाद फिर जाना है विद KFT रिपोर्ट्स एंड शुगर रिपोर्ट्स। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे हम जाएंगे हॉस्पिटल टेस्ट करवाने, एंड उसके बाद सैटरडे को दोबारा डॉक्टर से मिलेंगे। वही 2 वीक्स बाद हर वक्त मिलना ही होता है, क्योंकि वो हर वक्त चेक करते हैं शुगर का, एंड जो हार्ट है मम्मी का वो कम पम्प कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि पानी भी आप कम पियो। सॉल्ट इनटेक तो पहले से ही कम बोल रखा था, तो एज सच तो अभी कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं। तो अभी चलो सही है सारा कुछ। बाकी फटाफट से मम्मी भी बना रहे हैं लंच, आते हैं बस लंच की तैयारी में लग गए। मैं फटाफट से करती हूँ काम, फिर उसके बाद देखते हैं आज के दिन का क्या करते हैं। बस खाना आया ही था, इतने में ये पार्सल आ गया। पार्सल में है ये मॉम्स को का फेस वॉश। मैं इसे खाना खाने के बाद आपको ओपन करके दिखाती हूँ। एंड लंच में आज मम्मी ने बनाई है मूंगी मसर की दाल, साथ में चावल सैलेड, और मम्मी ने ये पुदीने की चटनी बना रखी है और साथ में अचार। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ पहले लंच, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ फेस वॉश मैंने कौन सा मंगवाया है। एंड इसमें एक्चुअली एक स्कीम मिली है मुझे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पार्सल में रिसीव हुआ है ये फेस वॉश, द मॉम्स को नेचुरल विटामिन सी फेस वॉश, एंड ये जस्ट रुपीज़ मुझे 99 रुपीज़ का पड़ा है। एंड इसका जो MRP है आप देख सकते हैं यहाँ पे 298 रुपीज़ है, एंड मुझे सिर्फ 99 रुपीज़ का पड़ा है। तो आपको मैं बताती हूँ कैसे। ये वाला जो फेस वॉश है विटामिन सी फेस वॉश, ये मैंने एक्चुअली जब मैं चंडीगढ़ में थी वहाँ पे दीपिका के पास था फेस वॉश, वो यूज़ करती थी। तो मैंने इसका फेस वॉश एक दो बार यूज़ करा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इससे एकदम से ना फेस पे ब्राइटनअप, पूरी स्किन जो है ब्राइटनअप हो गई थी, एंड ये स्किन को ड्राई भी नहीं कर रहा था। ऑल दो मेरी स्किन इतनी ड्राई नहीं है, बट ये जो चीक एरिया है मेरा थोड़ा ड्राई हो जाता है। मैंने इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी अभी 2 दिन पहले, तो मैं बस ना ऐसे सर्वे के लिए लिंक नहीं आ रखा था स्टोरी पे, तो वो आ रखा था, तो मैंने सर्वे फिल करा। सर्वे में भी मतलब नॉर्मल से ही क्वेश्चन थे, आप किस एज ग्रुप में हो, आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हो, आपको कौन सा मतलब कोई भी आपको प्रोडक्ट अपने स्किन के रिज्यूम में ऐड करना है, बस ये सब 3-4 क्वेश्चन थे। एंड उसके बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था, जस्ट इसके डिलीवरी चार्जेस पे करने थे 99 रुपीज़, जो मैंने 99 रुपीज़ पे करी है। अगर आप उनकी वेबसाइट से कुछ और भी मंगवाते हैं 200+ या 250+ के बाद वो डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लेते, बट मुझे और कुछ मंगवाना नहीं था, तो मैंने सिर्फ ये मंगवा लिया, तो ये मुझे 99 रुपीज़ में मिल गया, तो बहुत ही सही है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप भी वो सर्वे ले सकती है। एंड 99 रुपीज़ में अगर आपको फेस वॉश अच्छा सा मिल जाता है तो बहुत ही सही है, मेरे को तो बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट दिखे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाके लिंक को चेक कर लीजिए, एंड बहुत ईजी से सर्वे वाले क्वेश्चन हैं उनका आंसर कीजिए, एंड उसके बाद आपको ये फ्री फेस वॉश मिल जाएगा। आज दोपहर से जब से हम वापस आए थे हॉस्पिटल से, 1 घंटे बाद से ही वाईफाई नहीं चल रहा था,
हमने फ़ोन करा तो उन्होंने बोला 4 बजे तक आपका वाईफाई स्टार्ट हो जाएगा, कुछ वायरिंग में दिक्कत आ रखी है तो वो ठीक कर रहे हैं। 4 बज गए एंड अब 6 बजने वाले, तो मैंने दोबारा फ़ोन करा, वो कह रहे भी टाइम लगेगा। इसी चक्कर में मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई। तो हम लोग जा रहे हैं मासी के घर, ललता मासी के घर में, क्योंकि वहाँ पे पास में मासी का घर, ये वाईफाई है। हो गए मम्मी रेडी? हाँ, बाल तो ठीक करो, बाल ख़राब हो रहे हैं, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं मासी के घर। ये वो बाल कैसे हो रहे हैं? वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे फटाफट से ब्लॉग अपलोड करते हैं। सॉरी जो आपको ब्लॉग है लेट मिल रहा है, बिकॉज़ वाईफाई बिल्कुल भी नहीं चल रहा है एंड नेट से ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाता, बिकॉज़ ज़्यादा MB का है तो वो नहीं हो पा रहा अपलोड। तो फटाफट से चलते हैं मासी के घर। बाहर अंदर 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 अंदर, पहले गेट बंद करने दो। हाँ ये तो कितनी छोड़ गई होंगे, इसके नेल्स कितने बड़े हो गए हैं। कोको को नहीं गांगी पूछी, दुश्मन को। हाँ मैं बच्ची, बस बस बस, बहुत बड़े नेल्स है, आ जाओ आ जाओ। नहीं, हेलो, चलो चलो बच्चों, चलो आ रहे। नमस्ते मासी, चाहिए देखो पूछी, क्या चाहिए बहन बता, क्या चाहिए आज तुझे बताओ। वो जिम्मी कितना छोटू सा था ना, कितनी बड़ी सी है ये जिम्मी की। बस इतने पास ही आ गई मेरे, बस थोड़ी सी तो दूरी मेंटेन करो, थोड़ी सी तो दूरी करो। सिखाया नहीं तुम्हें घर वालों ने, किसी पे इतना, इतने किसी के पास नहीं आते। सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस। ये आप पे जंप मारेगी मम्मी, लग रहा है मुझे भी पूरा पूरी तैयार है। हाँ जा, जंप जंप जंप, उसको देख ले। वो तो अपना आराम से सोती रहती है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पहली बार तो मिलती है, वो बस पहली बार ही मिलती है, फिर उसके बाद वो अपना सो जाती है। तो काम यही होना चाहिए। ये चिंबड़ जाती है, ये गॉसिप सुनती है कि क्या बातें हो रही है, मुझे भी बताओ भाई। गॉसिप क्वीन ये वो नहीं। और कनु क्या चाल है भाई, इधर मैं बैठी हूँ, भूल गया, देखा नहीं रहे, भूल जाएंगे, क्यों इधर देखा नहीं। और यार को जाने लगे, कहाँ जा रहा है? पार्टी वार्टी वही डिसाइड कर रहा है, कहाँ से बता। कैसी पार्टी? चलो ची, अरे पूछी की आज हो गई है शादी। पूछी शक्ल तो दिखा दो अपनी, ये मेरे पास आई नहीं रही, वैसे चिपकी पड़ी थी। कितनी प्यारी सी लग रही है अब तो। पूछी कैसी लग रही है? मम्मी भी इसी की शादी करवा देते हैं, मुझसे पहले इसी की करवा दो आप। हाँ, बस चलो बाय मासी, बाय। अच्छा बाय पूछी। पूछी सोच रही है कि मैं तैयार हो गई हूँ। अच्छा तो आप भी जा रहे हो? मैं भी जा रही हूँ, तो मुझे कह रही मुझे उठा ले। हाँ उठा ही लो इसे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये वैसे भी आपकी बिना नहीं रह पाती। नहीं रहती। पूछी बाय कर दो। बाय 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 माछी, बाय। चलो बाय मासी। अच्छा दीदी चल। अच्छा मासी के घर से हम लोग आ चुके हैं अपने घर वापस। अब बस वैसे ही हम लेट आए हैं तो डिनर अब बनाना है। डिनर में मम्मी बना रहे हैं, मम्मी नहीं आज एक्चुअली डिनर मैं बना रही हूँ। एंड मैं बना रही हूँ पनीर मसाला, मतलब पनीर वाला सब्ज़ी बना रही हूँ, ग्रेवी वाली, थोड़ी थोड़ी ग्रेवी वाली, अब मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, बट मैं वो बना रही हूँ। तो फटाफट से अब मैं जाती हूँ किचन में और फटाफट से, फटाफट तो मेरा खाना नहीं बनता, मुझे थोड़ा टाइम ही लगता है, बट स्टिल जितनी भी जल्दी हो सके बनाती हूँ। पनीर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, इसमें मैंने नमक और लाल मिर्च डाल दी है। अब थोड़ा सा डालती हूँ इसमें नींबू, एंड इसमें ये सीड्स आ गए तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसको अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। और इसी तरह से मुझे पसंद है पनीर को बनाना, थोड़ा सा मैरिनेट हो जाता है तो थोड़ा सा इसका टेस्ट आ जाता है। ये अच्छे से हो चुके हैं मिक्स, अब इसे बस 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही। अभी बस मैंने ऑयल में जीरा डाला है और ये अनियन डाले हैं, बस इन्हें ब्राउन करती हूँ जैसे नॉर्मली हम तड़के में करते हैं, वैसे ही इसे भी ब्राउन करना है। प्याज हो चुके थे ब्राउन, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, हरी मिर्च डाल दिए और मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, और इसे अच्छे तरीके से हम कर लेंगे रोस्ट। एंड आज हम एक और न्यू मसाला लेकर आए हैं, ये है टाटा संपन्न का पनीर मसाला। हमने कहा एक बार इसे ट्राई करते हैं कैसा है, तो अब मैं इसे भी डाल देती हूँ। इसका मैंने 1 स्पून मसाला ले लिया है, इसे डाल दिया है। अब इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स अपने तड़के में। तो देखते हैं आज, ये हम पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ मैं भी ये पनीर मसाला, देखते कैसे बनता है, कुछ टेस्ट में चेंज आता है या नहीं। तड़के में से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं साइड साइड में ऑयल निकलने लग गया है। तो अब इस स्टेज में मैं डालूंगी पानी। मम्मी पानी कितना डालूं?
एक ग्लास है, मुझे बताओ इतना ठीक है ना? हाँ डाल दें थोड़ा और। ठीक है, फ्लेम को करते हैं तेज और इसको एक उबाला आने देंगे ताकि और डाल पानी। हाँ ये तो सूख जाएगा। हाँ तभी पूछ, पूरा डाल दे, पूरा डाल दो, ज़्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, चलो पूरा एक ग्लास पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से उबाल आने देंगे ताकि जो मसाले हैं वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे पनीर क्यूब्स। ये कुछ रह गया, मम्मी स्पून देना, स्पून दे दो। अब पनीर को ग्रेवी में अच्छे से करेंगे मिक्स और अब हम इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट ना मम्मी? नहीं नहीं, 7-8 मिनट। 7-8 मिनट पकाना, तभी तो पके। 7-8 मिनट तक पकाएंगे सो देट पनीर के अंदर अच्छे से ये जो ग्रेवी का रस है, मसाले है, वो सारे अच्छे से मतलब एब्जॉर्ब कर ले पनीर ना। कसूरी मेथी अभी डालो बाद में? डाल दे कसूरी मेथी, डाल दे। अब मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी, अच्छे से इसे करेंगे मिक्स और बस 5-7 मिनट के लिए आप अब इसे छोड़ दे लिड लगा के और ये अपने आप धीरे धीरे पक जाएगा। मम्मी लिड लगा दो। डिनर हो चुका है रेडी, सब्जी देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही है एंड साथ में है सैलेड, मम्मी ने बनाई रोटी, तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ डिनर। आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए एंड इस वीडियो को यहाँ पे देखने के लिए थैंक यू। तो साथ में ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और अच्छे अच्छे से कॉमेंट जैसे आप यूजली करते हैं वो करते रहिए। तो मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।